दोस्तों 7 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि आज संडे है तो एडिटोरियल आज नहीं है और थोड़ा लेट सो के उठा तो वीडियो थोड़ी सी लेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इंडियाज डेली कोविड-19 केसेस हिट 9 मंथ्स लो। ये एक अच्छी खबर है। हालांकि अच्छी खबर अगर आप इसको फरवरी के स्टार्टिंग के डाटा से कंपेयर करोगे तो आपको नहीं लगेगी, अगर तीसरी वेव आ जाती है खतरनाक। बहरहाल वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पूरा अपडेट देता हूँ आपको। पिछले 9 महीनों में नंबर ऑफ कोरोना के डेली केसेस, पिछले 7 दिन का एवरेज और ओवरऑल एक्टिव केसेस, ये लोएस्ट लेवल पे। अगर देखो तो 6 नवंबर की मॉर्निंग को जो डाटा आया, पिछले 24 घंटे में नए कोविड केसेस आए हैं 10,929, जो कि बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस मतलब कि जो लोग इन्फेक्ट हुए और अभी भी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। क्योंकि क्या है, आपको कोरोना हुआ फिर आप कोरोना निगेटिव हो गए तो फिर आप एक्टिव केस नहीं हो। आपको कोरोना हुआ, आप ठीक हो गए। एक्टिव केसेस मतलब जिनको अभी भी कोरोना है। तो नंबर ऑफ एक्टिव केस लोड इंडिया का है 1,46,950, जो कि आप कह सकते हो कि पिछले 255 दिन में सबसे ज्यादा कम है। ये जो एक्टिव केसेस हैं, दे आर 0.43% ऑफ द टोटल केस लोड। जितने अभी टोटल केसेस हुए हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के, उसका 0.43% है ये एक्टिव। टोटल केसेस कितने हुए हैं कोरोना वायरस के, तो भैया ये फिगर देख के डर लगेगा आपको, 3,43,44,683। अगर देखा जाए तो 6 नवंबर को सबसे ज्यादा स्टेट वाइज केसेस कहां पे आए कोरोना के, तो अकेले केरला से आए हैं 6,580 केसेस, तमिलनाडु से 875 केसेस, महाराष्ट्र से 802, वेस्ट बंगाल 763, मिजोरम 513। ओके, लास्ट टाइम इतने अच्छे फिगर्स कब देखने को मिले थे, तो 1 फरवरी को और 8 फरवरी को इंडिया में जो नंबर ऑफ कोविड केसेस थे वो 10,000 से नीचे चले गए थे। 25 जनवरी को भी 10,000 से कम थे कोविड-19 के केसेस। पिछले 7 दिनों में इंडिया का जो डेली कोविड-19 के केसेस की ट्रेजेक्ट्री है एवरेज, वो 12,000 है। तो काफी अच्छे मेट्रिक्स हैं, हमें यहाँ पे खुश होना चाहिए, डेफिनेटली खुश होना चाहिए। बट ये खुशी एक लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फरवरी और मार्च के समय पे जब इंडिया में कोविड-19 के केसेस कम थे उस समय पे सब लोग खुश हो गए, सारे मार्केट वगैरह खुश हो गए। गवर्नमेंट और सरकार ने और मोदी जी ने आके अनाउंस कर दिया कि इंडिया कोरोना को हरा चुका है। और उसके बाद क्या सेकेंड वेव आई थी, ये मुझे आपको सबको पता है, जाने कितने ही लोग उस सेकेंड वेव में निपट गए। ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट ये एक बड़ा ही सैड रियलिटी है। 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे कोविड-19 के एक दिन में, और इसके लिए सरकार भी रिस्पॉन्सिबल थी, इसके लिए कम वैक्सीनेशन भी रिस्पॉन्सिबल था, और इसके लिए लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे में आ गए थे उस टाइम पे, और डेल्टा वेरिएंट ने तरखाट मचा के रख दिया। ओके, हालांकि नवंबर को अगर आप फरवरी से कंपेयर करते हो तो भले ही नंबर ऑफ केसेस डेली कम निकल के आ रहे हैं, लेकिन नवंबर में हम एक एडवांटेज पे हैं। एडवांटेज पे कैसे हैं कि भाई 56% ऑफ द जो आबादी है उसको पहली डोज मिल चुकी है और लगभग 34 करोड़ सेकेंड डोजेज लग चुकी है। मतलब 25% एलिजिबल आबादी हमारी देश की ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुकी है। 108 करोड़ डोजेस का वैक्सीनेशन हमारे देश में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो बहुत सारे लोगों के अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो वी आर मोर रेडी टू फाइट कोरोना वायरस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बंद कर दें, अपने जो बाकी सैनिटरी मेजर्स हैं उनको लेना बंद कर दें। GS पेपर 2 हेल्थ में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो निहार रंजन साहू ने हमको ज्वाइन किया है, देन कुणाल गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया है। कुणाल गुप्ता का ये 9th मंथ है मेंबर, वेलकम बैक कुणाल गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन चिमेत नामग्याल ने हमको ज्वाइन किया है, 2nd मंथ है मेंबर। मनोज मुंडा ने हमको ज्वाइन किया है, प्रिया बिस्वास ने हमको ज्वाइन किया है, रणवीर रोशन ने हमको ज्वाइन किया है, 2nd मंथ है मेंबर, वेलकम बैक रणवीर। श्रेया तनवर ने हमको ज्वाइन किया है, 9 मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक श्रेया। देन बंका निधि पैक ने हमको ज्वाइन किया है, 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक बंका निधि पैक। करुणा आनंद ने हमको ज्वाइन किया है, 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक करुणा। रोहित चंदेल ने हमको ज्वाइन किया है, एंड पल्लवी कश्यप ने हमको ज्वाइन किया, पल्लवी कश्यप का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक पल्लवी। आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स टू श्रेया तनवर, 9 मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो सो मच श्रेया फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड टू कुणाल गुप्ता, 9 मंथ्स एज ए मेंबर, स्पेशल थैंक्स टू कुणाल गुप्ता एंड श्रेया तनवर। बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है 9 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स से लोग ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो स्पेसिफिकली थैंक्स टू यू। देन स्पेसिफिक थैंक्स टू पल्लवी कश्यप ऑल्सो, 3rd मंथ, करुणा आनंद 3rd मंथ, बंका निधि पैक, रणवीर रोशन, चिमेट नामग्याल एंड
ऑल्सो थैंकफुल टू निहार रंजन साहू, देन प्रिया विश्वास, मनोज मुंडा, रोहित चंदेल, यू नो एवरी वन हु इज ज्वाइनिंग, इट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो सो मच फॉर हेल्पिंग मी बी सस्टेनेबल. चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की. नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एम्स टू रेज एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स. आप बोलोगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती हैं? तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती हैं इंजीनियर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. अब आप समझिए, टेक्सटाइल के फील्ड में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार टेक्सटाइल बेसिकली वो इंडस्ट्री होती है कि हमने कॉटन लिया, या फिर मान लो आपने सिल्क लिया, उससे आपने कपड़ा बना दिया, साड़ी बना दी, मार्केट में बेच दिया. लेकिन टेक्सटाइल केवल इतना ही नहीं है, टेक्सटाइल की एक बड़ी परिभाषा है, और उस बड़ी परिभाषा में टेक्निकल टेक्सटाइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म बन के आता है. मतलब ये जो टेक्सटाइल्स होती हैं आपका, ये जो कपड़ा होता है, इस कपड़े को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस कपड़े को रॉ मटेरियल्स की तरह आपका माइनिंग सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है. इस कपड़े को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है. इस कपड़े को जियोटेक्निकल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है. अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है. हो सकता है माइनिंग में किसी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किसी चीज़ को पैक करने में इस्तेमाल किया जाता हो, इसी फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल लॉजिस्टिक्स में. सामान होता है ना कि सामान को पैक करने में भी टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो टेक्निकल एप्लीकेशन है टेक्सटाइल्स के, मतलब आप टेक्सटाइल को सिर्फ पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसको बाकी कामों में इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस इस्तेमाल को आप टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हो. जहां पे आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को इंजीनियर करके स्पेसिफिक एप्लीकेशन में लगा रहे हो, ना कि केवल उनको पहन रहे हो, तो ये होता है टेक्निकल टेक्सटाइल. तो यहां पे यूनियन कॉमर्स एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर्स पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि इंडिया से जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट है, इसको हम अगले 3 सालों में $10 बिलियन पे लेके जाएंगे, अभी से 5 गुना ज्यादा. अब ये सरकार का टारगेट है, सरकार कितना पूरा कर पाती है वो समय आने पे पता चलेगा. टेक्सटाइल सेक्टर को ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जा चुके हैं. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, पिछले 1 साल से बहुत न्यूज में. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और किसी फॉरेन कंपनी को ये बोला जाएगा कि आप कोई नया धंधा सेटअप करो, उस नए धंधे से आप ज्यादा प्रोडक्शन करो. जितनी ज्यादा आप चीजों का इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप चीजों का प्रोडक्शन करोगे इन्वेस्टमेंट के बाद, उसी हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे. मतलब कि अगर आपने एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में फैक्ट्री वगैरह सेटअप की, उस फैक्ट्री में लोगों को हायर करके एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स पैदा कर दिए, फिर वो प्रोडक्ट्स आपके बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं उससे मतलब नहीं है. अगर आपने एक डेडलाइन पूरी कर दी तो सरकार आपको 100-200-300 करोड़ रुपए सीधे सीधे दे देगी. ये सरकार का लॉजिक है, एक प्रकार की सब्सिडी है कि आपने धंधा सेटअप करके इतना प्रोडक्शन कर दिया तो आपको इतना पैसा हम दे देंगे. और ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट तब करेगी जब वो प्रोडक्ट बेच पाएगी. ये PLI तो उसको एक सब्सिडी की तरह मिलेगा, तो ये कंपनीज तो ऑब्वियसली बात है PLI को पसंद ही करेंगी. तो कुल मिला के यहाँ पे डोमेस्टिक टेक्सटाइल फर्म्स के लिए 10,683 करोड़ रुपीज की PLI स्कीम अप्रूव की है कैबिनेट ने. ओके, यहाँ पे फैब्रिक, अपैरल्स, मैन मेड फाइबर सेगमेंट, इन सब चीजों में नए नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बनाना. ग्रीन फील्ड मतलब नए प्रोजेक्ट्स बनाना. ग्रीन फील्ड मतलब कि आपने बिल्कुल नए तरीके से, एक नए सिरे से एक धंधे को शुरू किया, फैक्ट्री को शुरू किया, उसको आप बोलते हो ग्रीन फील्ड. ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया तो उसको ब्राउन फील्ड बोला जाता है. बिल्कुल नया बनाया तो ग्रीन फील्ड. ठीक है भाई, तो टेक्निकल टेक्सटाइल को सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अच्छा, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए पहले भी सरकार बहुत कुछ कर चुकी है. फरवरी 2020 में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लागू किया गया था सरकार के द्वारा, ताकि इंडिया के टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ाया जा सके. और इसके चलते अगर आप देखो तो जो सरकारी डाटा है वो ये बता रहा है कि हमको फायदा हुआ है. 2018-19 में और 2019-20 में जो टेक्निकल टेक्सटाइल ट्रेड बैलेंस था वो इंडिया के फेवर में नहीं था, निगेटिव था. मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे टेक्निकल टेक्सटाइल का, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे थे. तो निगेटिव कितना था 2018-19 में, 2788 करोड़. और 2019-20 में कितना था निगेटिव, 1366. निगेटिव मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया इंडिया के अंदर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कम किया. जिसका मतलब ये है कि नेट बेसिस पे हम बाहर की दुनिया पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की रिक्वायरमेंट के लिए. लेकिन 2020-21 में सरकारी डाटा के हिसाब से चीजें अच्छी हो गई हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसमें हम पॉजिटिव 1767 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, 1767 करोड़ पे. मतलब कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कंपेरेटिवली कम कर रहे हैं. और इस 2020-21 में हमने ज्यादातर क्या एक्सपोर्ट किया है, तो PPE किट्स, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, इस प्रकार की चीजों को. चूंकि देखिए
टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ये चीजें भी आ जाती हैं। इन्हीं टेक्सटाइल का इस्तेमाल करके हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट्स बना रहे हैं, वो जो डॉक्टर वगैरह बड़े बड़े व्हाइट रंग के गाउन पहने घुमा करते हैं, पीपीई किट्स, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, ये सब भी तो टेक्सटाइल से ही बन रहे हैं। इसका एक्सपोर्ट बहुत किया इंडिया ने पूरी दुनिया भर में, तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आ गए। तो टेक्निकल टेक्सटाइल को सरकार जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रही हो, जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकल टेक्सटाइल्स को अलग अलग तरीकों की एप्लीकेशंस में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, मेडिकल एप्लीकेशंस हो, हर जगह पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स इस्तेमाल की जाती है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का अगर आप फर्दर सब क्लासिफिकेशन देखोगे तो 12 कैटेगरीज में बटा हुआ है। कौन कौन सी है 12 कैटेगरीज, तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। एक तो है पैकेजिंग टेक्सटाइल, पैक टेक, एक है जियो टेक्निकल टेक्सटाइल, एक है एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल। पैकेजिंग टेक्सटाइल में आप बहुत आसानी समझ सकते हो कि जो टेक्सटाइल आपका चीजों को पैक करने में इस्तेमाल हो रही है उसको पैकेजिंग टेक्सटाइल बोलोगे। जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में क्या आ जाएगा, तो भाई रॉक, सॉयल और दूसरे नेचुरल एलिमेंट्स में, देखिए जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग वगैरह जहां पे बनती है, वहां पे जब टेक्सटाइल का प्रयोग होता है तो उसको आप जियो टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हो। इसमें जियो सिंथेटिक्स, बेंटोनाइट, लाइनिंग, लैंडफिल, नेचुरल फाइबर, ये सब आ जाता है। फिर भाई लाइफ स्टाइल प्रोटेक्शन में, वीड और इंसेक्ट कंट्रोल में, ग्रोइंग सीजन को एक्सटेंड करने में, हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल यूजेस में जब टेक्सटाइल का प्रयोग होता है तो उसको एग्रो टेक्सटाइल बोला जाता है। सिमिलरली जब पैकिंग में प्रयोग होता है तो उसको पैकेजिंग टेक्सटाइल बोला जाता है। तो ये तीन मेन मैंने आपको सब हेड्स बताए हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। पैकेजिंग टेक्सटाइल्स इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, 38% शेयर है। जियो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का 10%, एग्रीकल्चरल टेक्सटाइल्स का 12%। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। अब तक अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, तो इफ पॉसिबल प्लीज किक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल टू मी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और लाइक और कॉमेंट जरूर करें, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, जिससे यूट्यूब वीडियोज को ज्यादा लोगों को रिकमेंड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, RBI कमिटमेंट टू ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, NGFS। What is basically this NGSF? Network for Greening the Financial System। ये जो NGFS है ना, ये नेटवर्क है 83 सेंट्रल बैंक्स का और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स का। तो दुनिया भर के 83 सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स मिलकर बनाते हैं ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ये नेटवर्क क्या करेगा, तो पूरी दुनिया में ग्रीन फाइनेंस को बढ़ाएगा। और ग्रीन फाइनेंस, अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो पैसा जो कि ग्रीन एक्टिविटीज में लगाने के लिए उधार पे दिया जाए। तो मान लो कि आप सोलर पावर को सेटअप करने के लिए पैसा मार्केट से उधार पे उठा रहे हो, तो उसको ग्रीन फाइनेंस से माना जाएगा। और मान लो आपको कोई कोल पावर प्लांट खोलना है, उसके लिए पैसा मार्केट में उठा रहे हो, तो वो ग्रीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आज की डेट में, आज की दुनिया में ग्रीन फाइनेंस को सपोर्ट किया जा रहा ताकि दुनिया भर में क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सके। तो इसी ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया। कब बनाया गया, ये 2017 में बनाया गया। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, दिस इज होस्टेड बाय बैंके डी फ्रांस, और जो डच सेंट्रल बैंकर है फ्रैंक एल्डरसन, ये इसके करंट चेयरमैन है। और centralbanking.com ने NGSF को बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब दिया था 2020 में। ओके, NGFS को अनाउंस किया गया था 2017 में पेरिस की वन प्लैनेट समिट के दौरान, और उस समय पे 8 सेंट्रल बैंक्स ने इसको फाउंड किया था। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब ये NGSF न्यूज में क्यों है, NGFS न्यूज में इसलिए है क्योंकि RBI ने ये बोला है कि भाई 3 नवंबर 2021 को स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम NGFS। बेसिकली NGFS के साथ अपने आप को RBI और प्रोएक्टिव लेवल पे एसोसिएट कर रहा है, और NGFS के थ्रू जो दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें इंडिया भी अपना एक रोल प्ले करेगा। किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को भी RBI ग्रीन बनाने की कोशिश करेगा। ज्यादातर जो पैसा मार्केट में उधार पे दिया जाता है उसमें ग्रीन एलिमेंट लाने की कोशिश करेगा RBI इन अकॉर्डेंस विद NGFS। ठीक है भाई, ये जो NGFS है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम डिक्लेरेशन, इसको RBI सपोर्ट करता है। और आप समझिए, RBI का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है हमारे देश की, किस सेक्टर में कितना पैसा जाना चाहिए, कब कितना पैसा मार्केट इकोनॉमी से निकल जाना चाहिए। तो RBI अगर किसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को सपोर्ट दे रहा है तो डेफिनेटली उसको मॉनेटरी मदद मिलेगी।
और इसी कंटेक्स्ट में आरबीआई का सपोर्ट टू द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर फाइनेंशियल सिस्टम ये डिफाइन करता है, प्रमोट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्लाइमेट चेंज को इंडिया के कंटेक्स्ट में फाइनेंशियल फील्ड में लगाने का काम किसके पास आ जाएगा, हमारे आरबीआई के पास आ जाएगा, ठीक है भाई। ये सब बातें यहां बताइए। ग्रीन फाइनेंसिंग अब तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं, फाइनेंशियल फ्लोस ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए आप दो, तो चाहे बैंकिंग वो पैसा हो, चाहे माइक्रो क्रेडिट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ये जो पैसा है ये बेसिकली पैसा आपका ग्रीन सेक्टर्स को जाए, ऐसे सेक्टर्स को जहां पे डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कमाया जा सके, जहां पे एनवायरमेंटल बेनिफिट इन्वॉल्व हो, एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। और ये पैसा ग्रीन बॉन्ड के थ्रू उठाया जा सकता है, ग्रीन टैक्स लोन के थ्रू उठा सकता है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू उठाया जा सकता है, क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस के थ्रू उठाया जा सकता है। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 कंजर्वेशन एनवायरमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अक्टूबर 100 हाईएस्ट पावर शॉर्टेज। ये भाई क्या सीन है, देखिए इसको मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था इस न्यूज को। एक्चुअली इंडिया में एक पावर शॉर्टेज पड़ गई थी अक्टूबर में। क्यों पड़ गई थी, क्योंकि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उनके पास कोयले की कमी हो गई थी। ओवरऑल देखा जाए तो अक्टूबर 2021 में इंडिया में 1201 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की पावर शॉर्टेज थी। और ज्यादातर जो पावर शॉर्टेज थी ना ये 5 स्टेट्स में थी, गुजरात में, हरियाणा में, झारखंड में, पंजाब में, राजस्थान में। क्यों थी ये पावर शॉर्टेज, इसलिए थी क्योंकि हमारे देश के जो 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके पास कोयले के स्टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। अगर आप स्टेट वाइज डाटा देखो तो अक्टूबर में गुजरात में पावर शॉर्टेज थी 215 मिलियन यूनिट्स की, और पिछले 10 सालों में गुजरात में सबसे ज्यादा पावर शॉर्टेज थी। झारखंड में पावर शॉर्टेज थी 77 मिलियन यूनिट्स की, बिहार में पावर शॉर्टेज थी 120 मिलियन यूनिट्स की, हरियाणा में पावर शॉर्टेज थी 113 मिलियन यूनिट्स की, पंजाब में पावर शॉर्टेज थी 121 मिलियन यूनिट्स की। अब ये हरियाणा की, पंजाब की, बिहार की, गुजरात की, झारखंड की, इन पावर शॉर्टेजेस को बड़ा सीवियर बताया गया। क्यों सीवियर बताया गया, क्योंकि पिछले कई सालों में इतनी पावर शॉर्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में भी पावर शॉर्टेज हुई है, ओके, राजस्थान में भी पावर शॉर्टेज, अच्छा राजस्थान की पावर शॉर्टेज भी पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा थी, उत्तर प्रदेश में भी पावर शॉर्टेज थी, जेएंडके में भी पावर शॉर्टेज थी, बट वो नॉर्मल पावर शॉर्टेज के आसपास ही थी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में, झारखंड में, इन जगहों पे जो पावर शॉर्टेज थी वो पिछले कई 7-8-10 सालों की पावर, मतलब पिछले 7-8-10 सालों में सबसे ज्यादा पावर शॉर्टेज थी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसकी बात करो, झारखंड की बात करो, गुजरात की बात करो, तो ये हैविली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, मतलब प्रदेश हैं हमारे देश के। हरियाणा पंजाब की अगर आप बात करिए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो पावर शॉर्टेजेस किसानों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी और एरिड वेदर है, तो यहाँ पे भी पावर शॉर्टेज खतरनाक हो सकती है। तो ये जो गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और कुछ हद तक बिहार, इनमें जो पावर शॉर्टेज थी वो काफी एक्यूट हो गई थी। अब आते हैं मेन रीजन पे कि पावर शॉर्टेज थी क्यों, मैंने पहले भी आपको इस चीज समझाई थी, क्योंकि मैंने पहले जो मेन वजह थी वो ये थी कि मॉनसून सीजन था, मॉनसून सीजन के चलते देश भर में पानी बरस रहा था, तो कई जगहों पे जो कोल माइंस थी ना वो पूरी पानी में डूब गई थी, जो सप्लाई लाइंस थी पानी कोल की वो भी टूट गई थी। प्लस हुआ ये कि कोरोना के पैंडेमिक के समय लग गया था लॉकडाउन, तो सब कुछ बंद पड़ गया था, तो पावर डिमांड भी उस समय पे कम हो गई थी, तो सब लोग कम पावर सप्लाई, मतलब कम कोयले की सप्लाई हो रही थी। एकदम से इकोनॉमी खुली, एकदम से पावर की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब्ड थी, तो एकदम से कोयले को तेजी से प्रोड्यूस करना और तेजी से उसको एक्सपोर्ट करना, इन सब चीजों में थोड़ा समय लग गया, इसलिए बीच में थोड़ा क्रंच आ गया कोयलों का। एज ऑन 5 नवंबर अगर आप देखिए तो हमारे देश के जो 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके पास जो कोल इन्वेंट्री है, मतलब जो प्रेजेंट अवेलेबल कोल है, वो 7 दिन का प्रेजेंट अवेलेबल कोल है, लेकिन मिड अक्टूबर के समय पे 4 दिन से कम का हो गया था। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के पास तो केवल 1 दिन का कोयला बचा हुआ था, और यही टेंशन वाली बात हो गई थी। नॉर्मल अगर केसेस में देखा जाए तो इन 135 थर्मल पावर प्लांट्स के पास कम से कम 21 दिन का कोयला होना चाहिए इन्वेंट्री में, ओके। तो ये सब बातें आपको यहां पे बताई जानी। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट फिगर निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। पिछले 1-2 सालों में देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कोयले के दाम है ना वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल प्रहलाद जोशी का यहां पे बोलना है कि भाई इंटरनेशनल कोल प्राइस 3 गुना बढ़ चुका है, जिसके चलते हम लोग कोयले को 38% कम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 24% बढ़ गई है।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई कोयला इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिक रहा है, तो हम उसको इंपोर्ट कर नहीं सकते, लेकिन इसी कोयले से हमको बिजली पैदा करनी है और बिजली की डिमांड बढ़ रही है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया ने अपने डोमेस्टिक कोल माइंस पे ध्यान देना ज्यादा शुरू कर दिया। अगर आप देखो तो 5 नवंबर को जितना भी कोयला इन 135 थर्मल पावर प्लांट्स के पास है, इसमें से केवल 1.45 लाख टन इंपोर्ट किया हुआ है। और यही डाटा अगर आप फरवरी 2020 के लिए देखोगे तो उस समय पे जितना हमारे 135 थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयला था, उसमें से 15.43 लाख टन इंपोर्टेड था। मतलब फरवरी 2020 से लेके अब तक एक ट्रेंड और निकल के आ रहा है कि हम लोग कोयले को कम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो प्रेजेंट भारत सरकार है वो बहुत जगहों पे नए कोयले के माइनिंग प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रही है। इंडिया के पास देखिए कोई कोयले की कमी नहीं है, हम लोग टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं कोल रिजर्व्स में। हाँ, हमारे कोल रिजर्व्स हाई क्वालिटी के नहीं है, एंथ्रासाइट हमारे पास ज्यादा नहीं है, पर बिटुमिनस कोल हमारे पास बहुत है। तो उस कोयले को हम महंगा बाहर के देशों से इंपोर्ट करें, उससे बेटर तो यह है कि हम अपने देश का कोयला निकाल लें। क्योंकि बाहर के कोयले को जलाओगे तो भी पॉल्यूशन होगा, देश में पैदे हुए कोयले को जलाओगे तो भी पॉल्यूशन होगा। तो बेटर यह है कि हम देश के कोयले को जलाएं तो हमारा इंपोर्ट बिल बचेगा, लेकिन फिर माइनिंग बढ़ेगी। और जब माइनिंग बढ़ती है तो जिन इलाकों पे माइनिंग हो रही होती है ना, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी गिर जाता है। तो ये अलग अलग फैसेट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। जीएस पेपर 3 एनर्जी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। एक छोटी सी न्यूज और है यहाँ पे, श्रीनगर को डिक्लेयर कर दिया गया है मेजर एयरपोर्ट। जी हाँ, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2008 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने श्रीनगर को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इसके लिए केंद्र की सरकार को ताकत कहां से मिलती है? तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ एयरपोर्ट इकोनॉमिक अथॉरिटी एक्ट 2008, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर देती है। और जब मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके बाद उस एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग चार्जेस, उस एयरपोर्ट के अंदर अगर आपको कोई कॉमर्शियल दुकान वगैरह खोलनी है, इस एयरपोर्ट के अंदर जो भी अलग अलग प्रकार की फीस वगैरह होती हैं, उसका टैरिफ, पैसेंजर डेवलपमेंट फीस, ये सब कितनी देनी है ये कौन डिसाइड करेगा? तो AERA डिसाइड करेगा, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी। असल में आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम सुनते हैं, फिर हम एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी सुनते हैं, फिर हम ये भी सुनते हैं कि जो जयपुर का एयरपोर्ट है और लखनऊ का एयरपोर्ट है ये अदानी के पास चला गया। तो एक्चुअली में एयरपोर्ट चला कौन रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझिए, 2008 के समय पे एक बहस उठी। बहस क्या उठी कि भाई किसी एक शहर में एक एयरपोर्ट होता है, अभी किसी एक शहर में एक एयरपोर्ट है तो उस एयरपोर्ट की मोनोपोली है। सोचिए मुंबई जैसे शहरों में भी एक ही एयरपोर्ट है, एक नया एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में, बट अभी बनने में कई साल लगेंगे। दिल्ली में भी एक एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट मतलब एक डोमेस्टिक, एक आपका इंटरनेशनल, वो टर्मिनल होते हैं, एयरपोर्ट एक ही होता है, वो अंदर से कनेक्टेड होते हैं। तो जब एक एयरपोर्ट होगा तो वो एयरपोर्ट अपनी मोनोपोली कर सकता है, अपने हिसाब से चीजों के दाम रख सकता है। तो इससे क्या है कि पैसेंजर को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है कि जब आप टिकट बुक करते हो, अपना कोई फ्लाइट का टिकट मान लो आपने बुक किया, मान लो मैंने मुंबई से लखनऊ तक की 5,500 रुपए की फ्लाइट बुक की, तो उस फ्लाइट के अंदर मैं थोड़ी बहुत एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस भी देता हूँ, ठीक है ना? वो जो फ्लाइट ऑपरेटर होता है ना, वो अपने टिकट के दाम में वो फीस जोड़ लेता है और वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए जाती है। तो ये जो छोटी मोटी फीसेज होती हैं कितनी होनी चाहिए, इसकी डिसाइड करने की ताकत किसके पास होगी? अब अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आप सारी ताकत दे दोगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में मोनोपोली आ जाएगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब कुछ अपने हिसाब से करेगी। तो आप किसी के हाथ में मोनोपोली दो, ये अच्छी बात नहीं है। प्लस दुनिया भर के जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं इसको प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स चलाते हैं, तो इंडिया के अंदर भी ये बात की जाने लगी कि भाई इंडिया के अंदर भी भाई प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को एयरपोर्ट का मैनेजमेंट दो। आप देखो अदानी को कितने एयरपोर्ट का मैनेजमेंट दिया गया। तो अब ऐसे केसेस में अगर आप अदानी के पास मैनेजमेंट आता है तो फिर अदानी अगर बहुत ज्यादा दाम चार्ज कर रहा है लोगों से तो उसको कौन ओवरसी करेगा? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 2008 में एक एक्ट लाया गया, AERA एक्ट, जिसको आप बोलते हो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट। और इस एक्ट के अंदर एक स्टेटूटरी बॉडी बनाई गई AERA, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी क्या करेगी? ये अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करेगी। तो अब अदानी के पास अगर लखनऊ का एयरपोर्ट है तो फिर अदानी यहां पे, अब देखिए एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, अदानी के पास लखनऊ का एयरपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि लखनऊ के एयरपोर्ट का बाप हो गया अदानी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ही होता है। आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दुनिया का कोई भी जहाज अगर लखनऊ के ऊपर से गुजरता है
तो ऐसे केसेस में एटीसी लखनऊ उसको टेकअप करेगा, और एटीसी लखनऊ के अंदर जो लोग बैठे हैं ना उनको रिक्रूट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करेगा, उनको रिक्रूट अदानी नहीं करेगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो एयरपोर्ट के जितने भी टेक्निकल ऑपरेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट ही कॉन्ट्रैक्टर के पास गया हो चाहे अदानी के पास गया हो, वो टेक्निकल ऑपरेशंस तो भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देख रहा है। हाँ, अब लखनऊ के एयरपोर्ट के अंदर कोई दुकान खुली है, पर्स की दुकान खुली है या कपड़ों की खाने पीने की दुकान खुली हुई है फूड कोर्ट में, तो उन सब दुकानों का ठेका देना, उन सब दुकानों का मैनेजमेंट, ओवरऑल जो जहां पे प्लेन वगैरह खड़े होते हैं हैंगर में, ठीक है ना, जो एयर स्ट्रिप होती है उसका मैनेजमेंट, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना वो अदानी के पास आ गई हैं। अब इस प्रकार की चीजों को अगर अदानी मेंटेन करेगा तो यहाँ पे किराए पे दुकान उठेगी तो उसके लिए पैसा मिलेगा अदानी को। तो आप कितना पैसा यहाँ पे पैसेंजर डेवलपमेंट फीस की तरह चार्ज करोगे, कितना पैसा यहाँ पे आप वो जो शोरूम वगैरह खोल रहे हो उनके लिए चार्ज करोगे, इन सब चीजों के ऊपर एक अपर लिमिट लगाना, इन सब चीजों को रेगुलेट करना, यह काम है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का। और देश के जो मेजर एयरपोर्ट्स है ना वहां पे ही एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ये रेगुलेशन का काम करती है। और मेजर एयरपोर्ट किस बेसिस पे डेजिग्नेट किया जाता है, तो किसी एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट में अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एनुअल ट्रैफिक है तो ही उसे आप मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करोगे। और अभी के लिए ये जो आपका श्रीनगर का एयरपोर्ट है ये मेजर एयरपोर्ट की कैटेगरी में आ चुका है। तो यहाँ पे कितने चार्जेस रखे जाएंगे पैसेंजर डेवलपमेंट फीस के, अलग अलग शॉप्स के लिए कितना पैसा लिया जाएगा, कितने पे ठेका दिया जाएगा, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन किसके हाथ में आ गया है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के हाथ में। आई होप आप चीज़ों को समझ गए हो मैं यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है एनएसए अजीत डोवाल होल्ड्स स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद फ्रांस। भाई इंडिया और फ्रांस के बीच में इंडो पैसिफिक में क्लोजर कोऑपरेशन के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, ये फ्रांस प्रेसिडेंट की इमैनुअल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन से मिले पेरिस में। और यहाँ पे इन लोगों ने भाई एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग के ऊपर बातचीत करी, बातचीत हुई कि भाई कैसे बायलेटरल डिफेंस को, सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाया जाए, कैसे म्यूचुअल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए। अच्छी अच्छी बातें। फिर अभी हमारे डोवाल साहब अफगानिस्तान के ऊपर भी रीजनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाले हैं दिल्ली में, लगभग 10 या 11 नवंबर के लगभग पे कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया है। टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी यहाँ पे फ्रांस के साथ। अभी पीएम मोदी मैक्रोन साहब से मिल चुके हैं और जयशंकर साहब फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। कुल मिला के देखिए तो फ्रांस के साथ इंडिया का जो मिलना है वो इंडो पैसिफिक अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, फ्रांस को थोड़ा सेटबैक मिला है, जो ऑकस नाम का ग्रुप बना था US, UK और ऑस्ट्रेलिया का, उसके चलते फ्रांस को थोड़ा फीडबैक मिला, लेकिन इंडिया को भी इस ऑकस के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला ऑकस आने से, तो इंडिया ने अपने आप को ऑकस से दूर कर लिया और इंडिया ने बायलेटरली फ्रांस के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। और अगर आप देखो तो इंडिया फ्रांस के टाइज ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी इंडिया फ्रांस से बहुत सारे वेपन्स खरीदता है, जो रफाल जेट की जो आप कह सकते हैं डील रही है वो इंडिया फ्रांस के रिलेशंस में एक ट्रेडमार्क डील रही है। इंडिया का जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है फॉर द इंडियन ओशन रीजन, यहाँ पे फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने अपना लाइजन ऑफिसर पोस्ट किया था। इंडिया फ्रांस मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर चुके हैं इंडियन ओशन में। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया फ्रांस के रिश्ते काफी बूमिंग है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, आसाम अप्रूव्स मेडिकल सीट कोटा फॉर टी ट्राइब्स। देखिए, आसाम में बहुत साल पहले अंग्रेजों के राज के समय पे आसपास के स्टेट से मजदूर उठा के टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए आसाम में लेके जाए गए थे। अब ये आदिवासी आसाम के ही लोग बन चुके हैं, वो आसाम में अपने आप को सेटल कर चुके हैं। ये दो इलाकों में रहते हैं आसाम के, एक तो ब्रह्मपुत्र वैली में, एक बराक वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली, इन दो जगहों पर टी की खेती आसाम में बहुत होती है। अब इन ट्राइबल कम्युनिटीज का के बच्चों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आप देखिए तो आसाम के अंदर टोटल 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो राज्य की सरकार के हैं, और इन 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो आसाम की टी ट्राइब्स हैं इनके बच्चों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, MBBS की सीटों के लिए भी और बैचलर फॉर डेंटल सर्जरी के लिए भी। तो कुल मिला के 24 MBBS की सीट और 3 BDS मतलब डेंटल सीटों को यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जिसमें से 18 सीट MBBS की ब्रह्मपुत्रा वैली के स्टूडेंट्स के लिए और 6 सीटें बराक वैली के स्टूडेंट्स के लिए MBBS की। सिमिलरली BDS की 2 सीटें ब्रह्मपुत्रा वैली के स्टूडेंट्स के लिए और 1 बराक वैली के स्टूडेंट्स के लिए। तो इन वैलीज में काम करने वाली ये जो टी ट्राइब्स हैं, जो कि भाई
जाने कितने जनरेशन से यहाँ पे टी प्लांटेशन में काम कर रही, इनके बच्चों को यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में कोटा मिला है। फिर यहाँ पे आसाम में कुछ हफ्ते पहले एक मिशन लॉन्च किया गया था, मिशन वसुंधरा। इस मिशन वसुंधरा के चलते जितनी भी लैंड से रिलेटेड और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड सर्विसेज हैं, इनको अच्छा करने की कोशिश की जाने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशन आफ्टर डीड रजिस्ट्रेशन, पार्टीशन फॉर अनडिस्प्यूटेड केसेस, रिक्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पिताजी की मृत्यु होती है तो पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बच्चे के पास आ गई, तो बच्चे ने इनहेरिटेंस के थ्रू उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, तो उसके बाद उसका म्यूटेशन होना जरूरी है। म्यूटेशन मतलब जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं उन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उस लड़के का नाम आना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टीज के नाम की। तो लैंड से रिलेटेड और लैंड के रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो मिशन वसुंधरा के अंदर बहुत स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है आसाम की सरकार के द्वारा। फिर आसाम की सरकार की कैबिनेट ने एक और अच्छा डिसीजन लिया है। जो प्रीस्ट हैं आसाम के, जो नाम घोरीज हैं, जो कि आसाम के अंदर वैष्णव प्रेयर हाउस से इन्वॉल्व हैं, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा क्योंकि इनके हालात बहुत खराब है। 15,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, वन टाइम ग्रांट इनको दिया जाएगा। तो ये कुछ नए नए स्टेप्स ले रही है आसाम की बीजेपी की सरकार। इन स्टेप्स के प्रोमिसेस के थ्रू ही वो ताकत में आए हैं, तो स्टेप्स तो देखो लेने ही पड़ेंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज़, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। देखिए तीसरा एडिशन हो रहा है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का, एक्चुअली में नेक्स्ट वीक है। यहाँ पे नेवी चीफ्स और जो हेड ऑफ मैरीटाइम एजेंसीज हैं इंडियन नेवी के, और जो 12 अदर लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, जो 12 और कंट्रीज हैं, इनके भी इंडियन नेवी के, मतलब इनके भी नेवी के चीफ और इंपॉर्टेंट हेड ऑफ मैरीटाइम एजेंसीज इंडिया के अंदर आएंगे गोवा के अंदर, और यहाँ पे बातचीत होगी गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में। ये जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है ये बाई एनुअल कॉन्क्लेव है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है और नेवल वॉर कॉलेज गोवा में होती है। 7 से 9 नवंबर को हो रही है इस बार। थीम क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोवोकेटिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवीज। तो इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव में इंडिया अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की प्रोवेस को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, इंडिया की मेक इन इंडिया एग्जीबिशन की पावर्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, कैसे इंडिया डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल और सबमरीन वगैरह को बनाने में एक आप कह सकते हो एज हासिल कर चुका है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। ये जो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है 21वां, मतलब GMC 21 इसको बोला जा रहा है, वैसे तो इसका 3rd एडिशन है। इसमें जो हमारे नेवी चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह, ये दूसरे नेवी चीफ को होस्ट करेंगे, तो बांग्लादेश, कोमोरोस, मदागास्कर, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मलेशिया, मॉरिशियस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे आएंगे। तो 21वीं शताब्दी के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप में इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, और इसलिए इंडियन ओशन रीजन की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनके हेड को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनसे बातचीत की जाएगी। इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस सिक्योरिटी फील्ड में है ही, आपको पता होना चाहिए कि 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट इसी इंडियन ओशन के रास्ते में घुस के उन्होंने तरखाट मचा दिया था 2018 में जो मुंबई अटैक हुए थे। सोमालिया और गल्फ ऑफ एडन में अक्सर कर पायरेसी होती रहती है, ये जो पायरेसी थी वो 2005 से लेकर 2012 के बीच में बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गई। स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं, इसलिए ओशन की सिक्योरिटी यहाँ बहुत ज़रूरी है। फिर इसी इंडियन ओशन रीजन में टिन, गोल्ड, यूरेनियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, कैडमियम, इन सब के रिजर्व्स एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इंडियन ओशन रीजन से दुनिया का 80% वर्ल्ड सी ट्रेड निकलता है, इसलिए इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिला के अच्छा, ये इंडियन ओशन के रीजन में इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच का कन्फ्रंटेशन आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, तो इसीलिए इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया इंडियन ओशन रीजन की ये जो 12 कंट्रीज हैं इनके साथ ओवरऑल अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस ने भी यहाँ पे अपने नेवल बेसिस को बना रखा है अबू धाबी और डिजिबूती में, जो कि इंडिया के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अभी के लिए फ्रांस इंडिया की एक फ्रेंडली कंट्री है। ओके, इंडिया ने अपने लिसनिंग पोस्ट बना रखे हैं सेशेल्स में, मॉरिशियस में, मदागास्कर में। चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू वो इंडिया को घेरना चाह रहा है, तो इंडिया अगर इंडियन ओशन रीजन में अपने एसेट्स बना के रखेगा तो चाइना की स्ट्रेटजी को काउंटर कर सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बताई गई जीएस पेपर 3 में डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस में, ये न्यूज़ आपको काम आएगी। तो यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं अपने लेक्चर को दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, उससे काफ़ी मदद मिलती है। कॉमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।